यहाँ पर है ना, कुछ नियम था कि सूर्यास्त होने के पुनः बाद संखानन होगा और सभी जवान अपना अपना अस्त्र शस्त्र लेकर के लड़ाई के मैदान में होंगे। और वही नियम था कि सूर्यास्त जब सूर्य भगवान डूब जाएंगे तो पुनः संखानन होगा और लड़ाई समाप्त बंद कर दी जाएगी। शाम के वक्त में लड़ाई स्थगित हुई, बंद हुई, जितने जवान थे सब अपने अपने शिविर में गए। दादा भीष्म भी अपने शिविर में गए और देख रहे हैं, अचानक दादा भीष्म की नजर पड़ गई दुर्योधन के ऊपर। देख रहे हैं कि दुर्योधन सर लटका करके बैठा है। अचानक दादा भीष्म के मुख से आवाज आ गई, दुर्योधन बड़े चिंतित लगती हो, चिंता का कारण क्या है? मेरे साथ धोखा हो रहा है, आप जैसे महारथी लड़ाई के मैदान में हैं, हमको ऐसा लग रहा है कि आप लोग पांडव से मिले हैं, क्योंकि रोजाना पांच भाई पांडव लड़ाई के मैदान में आते हैं और दिन भर लड़ाई करते हैं, शाम के वक्त पांचों लोग घर चले जाते हैं। और इधर हमारी सेना में रोजाना जवान मारे जा रहे हैं, इससे साफ साबित होता है कि आप लोग पांडवों से मिले हैं। अंतर इतना है बाबूजी की पांच भाई पांडव धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, सौ भाई कौरव अधर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। दादा भीष्म के रोंगटे खड़े हो गए, डांट करके बोले, अरे दुर्योधन तेरे मन में पाप है, मेरे ऊपर शंका कर लिया। तो शुरू एक बार दादा भीष्म कहते हैं, क्या कहते हैं दादा भीष्म? भीषण निकाल करके और प्रतिज्ञा कर लेते हैं। जब प्रतिज्ञा कर ली है तो खलबली मच गई। ये खबर मिली मुरली मनोहर कृष्ण भगवान को, भगवान का भी कलेजा काट दिया। भगवान सोच गए कि अरे दादा भीषण तो प्रतिज्ञा कर ली है, मेरे वचन का क्या होगा? मैंने कुंती से वचन दिया हूँ कि मैं तेरे पांच पुत्रों को ले जा रहा हूँ महाभारत कराने के लिए, महाभारत खत्म होने के बाद पांचों पुत्र को मैं तुम्हारे हवाले ला करके सुपुर्द कर दूंगा, मेरे वचन का क्या होगा? भगवान तुरंत द्रौपदी को बुलाए और बुला करके बताते हैं कि देखो द्रौपदी जो होने वाला है इसे मैं भी नहीं रोक सकता। द्रौपदी रोने लगी कि भैया क्या करूं? कहलन भगवान कहलन की एक उपाय है। द्रौपदी कहलन का भैया कहलन की शाम के वक्त में सुबह में जइहा घूमता लटका करके वो दादा को प्रणाम करना, दादा के मुख से कुछ न कुछ निकलेगा जरूर। भगवान के कहला के अनुसार द्रौपदी सुबह में 4 बजे भोर में घूमता लटका करके दादा के शिविर में गई। दादा भीष्म नित किया करने के लिए उठ करके जो ही खड़ा हुए, द्रौपदी पैर को पकड़ करके प्रणाम बोलती है। दादा भीष्म के मुख से आवाज आ गई कि अखंड सौभाग्यवती तुम सदा सुहागन रहो। जो दादा भीष्म के मुख से यही बात निकली, कहा जाता है कि मुख से निकली बोली और बंदूक से निकली गोली कभी वापिस ना होला बाबू। दादा भीष्म अलग रह गए। यहर द्रौपदी घूमता हटा करके दादा भीष्म तो ये सोच रहे थे कि रात में दुर्योधन से कुम खरी कोटी बात हुई थी, शायद दुर्योधन की पत्नी भानुमती आई है माफी मांगने के लिए। लेकिन जब देखते हैं द्रौपदी को
अवाक अवाक दादा भीष्म अवाक रह गए। बोलते हैं द्रौपदी कलश की, हाँ दादा एक तरफ आप पांच बार निकाल लिए हैं मेरे पति को मारने के लिए और दूसरे तरफ आप आशीर्वाद देते हैं कि अखंड से भागवती। दादा भीष्म के मुख से कुछ नहीं निकला और कहते हैं कि द्रौपदी तुम चाहती क्या हो। द्रौपदी बोली कि दादा वही पांच बार मुझे दे दीजिए। दादा भीष्म पांचों बार दे दिए और वही दरवाजे पर कृष्ण भगवान खड़ा थे, सामने आ गए। जब सामने आ गए तो दादा भीष्म कहते हैं कि द्रौपदी ये दूसरे किसी का राज नहीं है, ये सब खेल मुरली मनोहर कृष्ण की है। भगवान सामने आ गए। जब भगवान सामने आएलन तो दादा भीष्म कहलन कि ठीक है कृष्ण, तूने मेरा प्रतिज्ञा तो भंग करवा दिया, याद रखना मैं भी एक दिन तुम्हारी प्रतिज्ञा को भंग करवाऊंगा। दूसरे दिन बाबू लड़ाई के मैदान में आमने सामने जवान खड़े हैं, एक तरफ कौरवों का दल तो दूसरे तरफ पांडवों का दल। दादा भीष्म एक तरफ धनुष बाण लेकर के रथ पर तैयार है तो दूसरे तरफ भगवान अर्जुन को रथ के सारथी के रूप में रथ लेकर के जो सामने आए। तो दादा भीष्म कृष्ण भगवान के देख के लकारत हो गए, साथ साथ अर्जुन के कैसे भैया। हमारे दादाजी राम निरंजन यादव कैलावर के धरती से आपके तरफ से 101 रुपए का आशीर्वाद मिला है। पैर छूने पैर की बस सब भैया लोगों की देखें। भगवान जब अर्जुन के रथ लेके सामने उले तो दादा भीष्म कहते हैं क्या बाबू, क्या गीत बागी से बढ़िया कभी जी भाग हेलन